गुवाहाटी में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है टीएमसी का, क्या वहां से अपडेट, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं आनंद? देखिए, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हुए, उनका कहना है कि जहाँ एक तरफ असम में बाढ़ से हालत खराब है, लेकिन जो असम की सरकार है और जो केंद्र सरकार है वो असम के लोगों को और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की बजाय, उनको राहत पहुंचाने की बजाय वो यहाँ जोड़ तोड़ में लगे हैं और यहाँ पर दूसरे राज्य के विधायकों की आवभगत की जा रही है और असम के लोगों की मदद करने की बजाय उनका सारा फोकस जो है शिवसेना को तोड़ने में और दूसरे राज्य के विधायकों की मदद करने में, तो उसके खिलाफ यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस के साथ उनकी बहस हो रही है, पुलिस कह रही है कि आप लोग यहाँ से हटिए, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है राहत इनको चाहिए, असम के लोगों को चाहिए। सर, क्या क्या मांग है आप लोग, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लोग मर भी गए हैं, अभी मर भी गए हैं। तो यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो है ये कह रहे हैं कि असम के लोगों को दरकिनार करके, सर क्या मांग है आपकी? ये लोग बोल रहा है हिंदू के खतरा है, हिंदू के लिए खतरा है, कोई हिंदू के लिए नहीं, पूरा देश के लिए खतरा है, बीजेपी के लिए। बीजेपी आप देखिए जो पूरा खत्म कर रहा है देश को, गणतंत्र प्रक्रिया से हुए वो सरकार को तोड़ रहे हैं, ये लोगों का उम्मीद में पानी डाल रहा है, ये बीजेपी ही है। आप देखो अंदर में हिमंत बिश्व शर्मा भरे हुए अंदर में बैठे हुए हैं और उसका उसका जो साले लोग है जो दो दिन में काल पुरुष से इधर ही है। हम चाहते हैं गणतंत्र को रक्षा करे, ऐसा घुरा बैसाखीना मत करे, एमएलए को बैसाखीना कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है तृणमूल कांग्रेस से। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, टीएमसी के समर्थन में, और इनका कहना है कि यहाँ पर दूसरे राज्य के दूसरी पार्टी के विधायकों की आवभगत तो की जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन जो असम के लोग हैं जो कि बाढ़ से परेशान है, पीड़ित है, जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, उनके पास खाने को नहीं है, लेकिन उनकी मदद नहीं की जा रही है और सारा ध्यान वहाँ पर सरकार तोड़ने में है। और अब ये चाहते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा पे आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि जितना ध्यान यहाँ पर दूसरे विधायकों पर दिया जा रहा है, पार्टी को तोड़ने में दिया जा रहा है, उतना ही ध्यान महाराष्ट्र की जनता पे भी दिया, माफ कीजिएगा, असम की जनता पे भी दिया जाए, जो कि यहाँ से इस होटल से मैं 40 किलोमीटर दूर जाने पे बाढ़ के जैसे हालात है, लोगों के पास न खाने के लिए न घर है रहने के लिए, सब पानी में डूब गया, तो उनकी चिंता नहीं की जा रही है। और इस आरोप को लेकर, इस मांग के साथ यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं को चारों तरफ से यहाँ पे पुलिस ने घेरा हुआ है, कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ये कार्यकर्ता जो है यहाँ हटने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, मांग तो देखिए जायज है, इस वक्त असम में जो बाढ़ की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, आम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देवेंद्र ये भी दिलचस्प है कि टीएमसी प्रदर्शन कर रही है, हम उम्मीद जता सकते थे कि चलिए कांग्रेस का प्रदर्शन होता होटल रेडिसन ब्लू के बाहर, लेकिन टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। मीनाक्षी, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आप टीएमसी की लगातार रणनीति देखें तो वो राष्ट्रीय स्तर पे एक प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है और ऐसे में कहीं भी कोई मौका मिले तो उस मौके को वो चूकना नहीं चाहती, जिसके सहारे मीडिया की सुर्खियाँ बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि कहाँ बंगाल से निकल कर गोवा में किस प्रकार से टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उधर त्रिपुरा में पूरी कोशिश कर रहे थे, असम में वैसी स्थिति है। तो कुल मिलाकर टीएमसी की कोशिश ये रहती है कि कहीं भी अगर कुछ हो, बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने का मौका मिले तो उस अवसर को भुनाया जाए और उसके सहारे मीडिया की सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। इस प्रोटेस्ट के तहत भी आप वही देख रही हैं, हालांकि इसमें बड़ी पिक्चर में निश्चित तौर पर टीएमसी कहीं भी नहीं है, असल खेल जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल खेल जो चल रहा है, जिसका एपिसेंटर अभी गुवाहाटी बना हुआ है, लेकिन वो खेल है शिवसेना के अपने बीच, अपने विधायकों, बागी विधायकों और शिवसेना के बीच, उसको लेकर एक दिलचस्प चीज़ ज़रूर ये है कि गवर्नर क्या करेंगे। आप पिछले दो दिन में लगातार ये देख रही होंगी कि महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में चल रहा है कि आखिर गवर्नर करेंगे क्या। राजभवन से जुड़े हुए सोर्सेज से जब हमने इस बाबत बात की तो उनका ये कहना था कि पहले तो कोई प्रस्ताव आएगा, उसके बाद विचार किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक सैद्धांतिक तौर पर बात है, गवर्नर बिल्कुल भी इस बात के लिए बाध्य नहीं है
कि सरकार की सिफारिश किसी भी सिफारिश को सीधे उसी रूप में माने। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2013 की एक रूलिंग है, उस रूलिंग में भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से अगर गवर्नर को ये लगता है कि सरकार की जो सिफारिश है वो सरकार खुद अल्पमत में है, तो गवर्नर इस बात के लिए कह सकते हैं कि आपको फ्लोर टेस्ट के लिए जाना होगा। और अल्पमत की सरकार को लेकर गवर्नर को उनके विवेक के तहत अगर ऐसा लगता है कि ये सरकार अल्पमत में है, और उस विवेक के जाहिर तौर पर तमाम सारे सब्सटेंशियल करने वाले प्रमाण होंगे, अगर शिंदे गुट वो रिटर्न में देता है जो कि देगा ही देगा, तो वहाँ पर वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को बोलेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए जाएं। और फ्लोर टेस्ट पर जाने के बाद समझा जा सकता है कि इस नंबर गेम में जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें उद्धव ठाकरे के लिए कितना मुश्किल होगा अपनी कुर्सी को बचा पाना। बिल्कुल, देखिए मुश्किल हालात तो फिलहाल नजर आते ही हैं उद्धव ठाकरे के लिए, और यही वजह है कि अब जो बयानबाजी है वो की जा रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में जो हालात हैं शिवसेना के लिए वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड से एक एक रिपोर्ट एक एक अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।